अब मैं आपको डेटा को डिफरेंट तरीके से कैसे डिस्प्ले कराया जाता है MySQL डेटाबेस से निकालने के बाद आपको वो कोड दिखाता हूँ। अभी तक आपने एक कॉलम का एक डेटा डिस्प्ले कराया था, अब कोड में आ जाइए। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार ब्लॉक कर देते हैं डबल स्लैश लगा के और इस कोड को खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, डॉलर रो 0, डॉलर रो 1, डॉलर रो 2, यानी कि तीन कॉलम डिस्प्ले कराने की कोशिश की गई है। इसको सेव करके इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखिए, तो देखिए आपको तीन डेटा तीन कॉलम का एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया गया है। उसमें स्पेस बार नहीं है इसलिए ये जुड़ के आ रहे हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। उसको ब्लॉक कर दीजिए। अब देखिए जैसे आपने अभी तक रो के अंदर कॉलम की वैल्यू दी, आप कॉलम का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक ध्यान देना होगा कि एक तो सिंगल कोट में होगा बोथ साइड और कॉलम का नाम एग्जैक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, केस सेंसिटिव है। अगर आपने बड़ा ए की जगह छोटा ए कर दिया तो काम नहीं करेगा। देखिए जैसे मैंने एड्रेस डाला, सेव करके मैं रन करता हूँ तो देखिए एड्रेस आ गया। अब आप क्या करिए, इस बड़ा ए को छोटा ए बना के देखिए। छोटा ए बना देता हूँ मैं, सेव करके इसको रन करता हूँ तो देखिए इसमें एरर बोल रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स, यानी कि इस नाम की कोई फील्ड नहीं है। तो इसलिए जब आप कॉलम्स का नाम दें तो एकदम परफेक्ट नाम देना पड़ेगा। क्वेरी में आप कुछ भी दे सकते हैं, जब क्वेरी देते हैं इसमें छोटा बड़ा कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप वेरिएबल में ये फेच एरे करके कॉल करते हैं जो कॉलम्स आएंगी वही एग्जैक्ट कॉलम का नाम होना चाहिए। इसको भी कोड को हटा देते हैं। अब तीसरा कोड ट्राई करते हैं। इसमें देखिए दो कॉलम को का नाम दिया गया है वैल्यू की जगह, यहाँ पर एड्रेस यहाँ पर नेम। इसका तरीका क्या होता है, पहले इको रो डॉलर, डॉलर रो एड्रेस, फिर सिर्फ एक कॉमा देकर फिर आप दूसरे कॉलम का नाम दे सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक लाइन डालनी है तो डॉट और फिर डबल कोट में BR ब्रैकेट्स के अंदर। इसको सेव करके इसको रन करके देखिए, देखिए इंदापुरम राकेश दो कॉलम आ रही है। जैसे हमने पहले एड्रेस डिस्प्ले करने के लिए कहा था फिर नेम करने के लिए कहा था। अब ये कोड भी हो गया, इसको भी ब्लॉक कर दीजिए कमेंट्स बना के। अब इसको खोलिए। अब इसमें देखिए हमने क्या किया है कि एक स्पेस बार पहले देने के लिए इतना ऐड किया है डबल कोट में एंड NBSP। इस कोड का मतलब होता है एक स्पेस बार और फिर डॉट रो 0। तो स्पेस सेव करके रन करके देखिए तो एक स्टेप आगे आ गया। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। एक बार हम ये सारे कमेंट्स हटा देते हैं और देखते हैं क्या डिस्प्ले कैसे डिस्प्ले करता है। सेव करके इसको रन करिए तो देखिए इस तरीके से, तो देखिए सारे लेफ्ट में पहले से आ रहे हैं, यहाँ पर जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है ये एक स्टेप आगे आ रहा है क्योंकि हमने ये NBSP ऐसे करके दिया है। अगर हमें ये डिस्प्ले कराना है कि कितने रिकॉर्ड्स इस रिजल्ट्स में हैं तो उसके लिए हमें ये दो लाइन का कोड चलाना होगा। इनके कमेंट्स हटा दीजिए और इन सब में कमेंट्स लगा दीजिए। मल्टी लाइन कमेंट्स लगा देते हैं, एक बार में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना होगा MySQLi_num_rows रिजल्ट्स, यानी रिजल्ट्स के अंदर जितने रोज हैं उनको काउंट करो और नम नाम के वेरिएबल में स्टोर करो और इको डिस्प्ले करो टोटल रिकॉर्ड्स आर डॉट डॉलर नम। तो यहाँ पर आएगा टोटल रिकॉर्ड्स आर 3। इसको सेव करके इसको ब्राउज़र में रन करिए तो देखिए टोटल रिकॉर्ड्स आर 3। तो इस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को काउंट करके डिस्प्ले करा सकते हैं।
ये दोनों कोड को पता नहीं साथ साथ चलाने से क्यों एरर आ जाता है। तो सेव करके इसको रन करते हैं, तो फिलहाल काम कर गया। तो यहाँ पर जैसे एक ब्लैंक लाइन डालने के लिए यहाँ पर मैं ये कोड डाल देता हूँ, डॉट और ब्रैकेट में डबल कोट में br, ताकि ये नीचे आ जाए। इसको रन करिए और इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि ये लाइन जो नीचे आ गई है, टोटल रिकॉर्ड्स R3। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। थैंक यू।